कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, सुल्तान बिजनेस आइडियाज में। दोस्तों, आज आप सभी को कुछ जानकारी बताने जा रहे हैं। जैसे कि जो है, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, जो कि मैंने उस वीडियो में ही बताया था कि आप जो है बेल्डिंग की दुकान करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बेल्डिंग का बिजनेस करके। तो उसमें हमने यही बताया था कि आप जो है, जो कि जैसे वही बेल्डिंग जो लोहे का, आप सब जानते हैं, ग्रिल बनता है, शटर बनता है, वगैरह वगैरह, गेट आउट, वही मैंने उस वीडियो में बताया था। तो उसमें जो है, जैसे कुछ भाई लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप हमें बता दीजिए कितना खर्चा लगेगा। तो इस वीडियो में दोस्तों हम वही आपको बताने वाले हैं। जैसे कि आकाश चौबे जी हैं, उन्होंने जो है कमेंट करके पूछा है कि हमें ये बता दीजिए किस कितना खर्चा लगेगा ये दुकान करने। तो देखिए चौबे जी, क्या है कि अगर आप कहीं पर, जहाँ कहीं भी आप दुकान करना चाहते हो, तो इसमें ये कई तरह का वो है। जैसे कि अगर आपके पास, जहाँ पे भी आप दुकान लोगे, वहाँ पे अगर दुकान में वो लाइट है, तो लाइट है तो उसके लिए आपको जो है क्या, जनरेटर नहीं लेना पड़ेगा। अगर वहाँ पे लाइट नहीं है तो आपको जो है एक जनरेटर लेना पड़ेगा। अगर आप नया जनरेटर लेते हो तो आपको मान के लिए 50 से 55 हज़ार तक आपको सिर्फ जनरेटर मिलेगा। उसके बाद जनरेटर लेने के बाद आपको जो है एक मशीन, जो कि वेल्डिंग मशीन आती है, एक तो बड़ी मशीन आती है, 440 वोल्ट ऐसा कुछ उसका वो है, वो एक वो मशीन आती है। तो वो मशीन आपके लिए सही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका जो है करंट ज़्यादा लेती है। तो वो जो है, आप जैसे कोई भी काम करोगे कहीं भी ज्वाइंट करने के लिए, वो आपको सही नहीं पड़ेगा। यानी वो आप जाके वहाँ पे नहीं चला सकते, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई पावर की बिजली चाहिए। तो उतना हाई पावर गांव देहात में बिजली रहती नहीं है। तो इसीलिए आपको जो है एक मशीन आती है, जो कि 10-10 हज़ार तक मिलेगी, 10-11 हज़ार के अंदर ही। तो वो मशीन आपको जो है, आप कहीं भी, यही मैनुअल जो कि अपने घर में बोर्ड होता है, आप उसी करंट से वो मशीन बहुत ही आसानी से चला सकते हो। उसमें जो है आप करंट कम तेज कर सकते हो। तो मान के चलिए जैसे कि आपको 10 हज़ार की मशीन होगी, अगर आप जनरेटर लोगे, मशीन लोगे, तो आपको मान चलिए 50-55 का जो है जनरेटर हो जाएगा नया। उसके बाद आप अगर मशीन लोगे तो 10 हज़ार का मान लीजिए मशीन आ जाएगी, तो आपको सीधा सा ये हो गया 70 हज़ार। अगर आपके दुकान में लाइट है तो आपको जनरेटर लेने कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है उसमें सिर्फ मशीन, वेल्डिंग मशीन लेके, और ड्रिल मशीन आती है, कटर आता है, जो कि आप अगर आप काम करते हो, चौबीस जी मैं आपको बता रहा हूँ, और जो भी भाई अगर वेल्डिंग का काम करना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप कम से कम पैसे में इसे कैसे शुरू कर सकते हैं, और ये शुरू करने के लिए कितना पैसा आपको लगेगा। तो जैसे कि अगर आप जनरेटर नहीं लोगे, तो दुकान में सिर्फ आपको वेल्डिंग मशीन लेना पड़ेगी, ड्रिल मशीन लेना पड़ेगा, जो कि कटर होता है, हैंड कटर हो गया, और ये दूसरी कटर आती है जो कि लोहा काटने के लिए। उसके बाद आपको हथौड़ा वगैरह, जो भी आप काम करते हो, आपको पता है, जो भी दुकान खोलने के। तो दुकान में आपको मान चलिए कि अगर आप दुकान नया नया खोलोगे, तो आपके लिए उसमें माल भी कुछ चाहिए। जैसे कि मान चलिए, कम से कम मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप जो है मान चलिए 20 हज़ार का आप माल भरा लीजिए शुरू में, कम से कम जितना आपको हो सकता है। अगर 20 हज़ार तक हो सके, 20 हज़ार तक, नहीं तो आप 10 से 15 हज़ार तक आप एक बार माल जो है रख लीजिए, यह तुम्हारा माल हो गया। उसके बाद ऑर्डर मिलने पर, जैसे कि आपको ऑर्डर मिला, तो आपके पास इतना माल होना चाहिए, जैसे छोटा मोटा ऑर्डर मिला, खिड़की हो गया, छोटा मोटा गेट हो गया, आप थोड़ा कुछ अपने पास से, यानी इतना माल रखिएगा आपके पास से, उतना सामान बन सकता है। उसके बाद जैसे कि ऑर्डर मिला, तो आप जो है माल मंगाइए, आप कहीं भी जहाँ पे आपको नज़दीक पड़े वहाँ से आप माल मंगाइए, माल मंगा के आप जो है बनाइए और पैसा ले लीजिए। तो इसी तरह से जो है दोस्तों, अगर आप जनरेटर सहित, मैं आपको बता रहा हूँ कितना खर्चा आपका लगेगा मिनिमम, आप मान चलिए अगर जनरेटर सारा कुछ नया लेते हो, सारा कुछ, तो आपको माल वाल भर के, जैसे कि 10 हज़ार का अगर आप माल भरते हो, तो आपको सारा कुछ मिला के 1,20,000 तक खर्चा आएगा। 1,20,000 तक खर्चा आएगा आपको जो है सारा कुछ लेके। उसके बाद अगर आपको जनरेटर नहीं लेना है, अगर आपको दुकान बिजली है जहाँ पे आप दुकान लोगे, और दुकान आपको जो है थोड़ा लंबी चाहिए दोस्त, क्योंकि छोटी दुकान में आपको जो है माल अंदर नहीं जा पाएगा, आपको बाहर ही रह जाएगा माल। तो बाहर रहेगा तो क्या है कि बारिश आएगा या कोई भी पानी वगैरह या चोरी होने का डर रहता है। इसीलिए जब माल आपका बाहर रहेगा, तो उसमें क्या, जंग लगेगा, चोरी होने का भी डर रहता है। इसीलिए आप कहीं भी दुकान खोलिए तो कमरा जो है लंबा लीजिए। जैसे कि आपका जो है इंगल बहुत बड़ा बड़ा आता है, वो इंगल रखने का कितना कमरा अगर हो कहीं पर, या बेस्टमेंट में कहीं भी ले लीजिए, इस तरह का आप दुकान लीजिए कि आपका माल जो है आपके अंदर हो जाए। उसके बाद आपको कांटा लेना है, काटा आप सबको पता है, माल वजन करने के लिए 3 क्विंटल का काटा आता है, जो कि 7 हज़ार तक आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह से आपको मैं जैसे बता रहा हूँ, 1,20,000 तक पूरा टोटल खर्चा आपका आएगा। 1,20,000 में आप दुकान कर सकते हो, इसमें कोई मतलब ज़्यादा वो नहीं है। और फिर जैसे जैसे आपको माल, यानी ऑर्डर मिलता जाए, उसी तरह से आप माल मंगा के काम अपना करते रहिए।
तो यही है दोस्तों, जैसे कि अगर और भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, मुश्किल नहीं है, मैं आपको उसका भी जवाब दे सकता हूँ। बस मैं जैसे कि आपने पूछा था कि कितना खर्चा लगेगा, तो मैंने आपको इस वीडियो में वही बताया कि आप क्या क्या करोगे तो किस तरह का खर्चा आएगा। अगर आपका जनरेटर नहीं है तो आपका 1 लाख से कमती में भी हो जाएगा, अगर जनरेटर लेना है तो आपका 1,20,000 तक पूरा कन्फर्म जो है आपका खर्चा आएगा। तो इसी तरह से आप अब आप खुद समझ सकते हो। तो यही रहा दोस्तों आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को नए हैं सब्सक्राइब करें दोस्तों।